What's up YouTube? Welcome back to my channel, A Man on Road. And मैं हूँ इस समय सांगला घाटी में चिटकुल में. तो मैं आया हूँ चिटकुल सांगला होते हुए. तो चलो आओ पहले सांगला घूमते हैं, उसके बाद चिटकुल देखते हैं. सांगला वैली हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आती है. एंड यहाँ के लिए आपको चंडीगढ़ से, शिमला से, रिकांगपियो से, कहीं से भी डायरेक्ट बस मिल जाएगी. डेली एक या दो बसें चलती ही रहती हैं. ये मैं आपके लिए HRTC चंडीगढ़, HRTC दिल्ली, HRTC शिमला, HRTC रिकांगपियो, इन चारों के इंक्वायरी डिपार्टमेंट के नंबर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो दैट आप उनमें कॉल करके कि आप वहाँ कितने बजे पहुँचोगे एंड वहाँ से अगली बस कितने बजे, एंड उस हिसाब से अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हो सांगला के लिए एंड चिटकुल के लिए. सांगला में मैं रुका जॉस्टल सांगला में. अराउंड 670 पर बेड पर नाइट का चार्ज था उसका. आप भी उनकी वेबसाइट पर जाके बुकिंग कर सकते हैं. सांगला में मुझे दो जगह कवर करनी है. एक कामरू फोर्ट है जो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हिमाचल की हिस्ट्री में, एंड दूसरा बेरिंग नाग जी का टेम्पल है जो कि सांगला में ही है. तो अभी मैं जा रहा हूँ कामरू फोर्ट. ये कामरू विलेज में ही है, कामरू गाँव में, एंड ये सांगला टाउन से 2 किलोमीटर की हाइक है, ज़्यादा दूर नहीं है. एंड ये यहाँ का सबसे पुराना गांव है. तो बात करें सांगला की, रकचम की, तो ये वैली में निचले साइड में आती हैं. स्टार्टिंग में ही पड़ता है, जब आप वैली में एंटर करते हो सबसे पहले सांगला पड़ता है, बदसेरी पड़ता है, फिर रकचम, फिर चिटकुल. ये यहाँ गर्मियों में ज़्यादा मज़ा है क्योंकि आपको ऊपर पहाड़ों में पूरे मेडोज़ वगैरह दिखते हैं. तो सांगला में इनफैक्ट आप सांगला कांडा तक जा सकते हो, वहाँ से रूपिन पास का ट्रैक भी होता है, एंड आप वहाँ तक 4x4 से जा सकते हो या ट्रैक करके भी जा सकते हो. गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, अभी सर्दियों में उन पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी हुई है पूरी. एंड विंटर्स के लिए स्पेसिफिकली चिटकुल ज़्यादा अच्छा है क्योंकि चिटकुल में हैवी स्नोफॉल होता है. हज़ारों साल पहले सांगला जो एरिया था, ये फ्लैट एरिया नीचे वैली में, ये पूरा एक वाटर बॉडी था, एक लेक था. एंड जो कामरू विलेज के लोग थे वो इसे एज अ वाटर रिसोर्स यूज़ करते थे. तो इसलिए यहाँ पे आप अगर डस्ट भी देखो तो वो बहुत फाइन पार्टिकल्स है, जैसे आपको वाटर बॉडी और उसके आसपास मिलता है वैसे ही डस्ट है यहाँ पे अभी भी सांगला में. एंड क्योंकि ये जो एरिया है ये एकदम उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है. इनफैक्ट जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इनके पीछे उत्तरकाशी लग जाता है, उत्तराखंड लग जाता है. तो इसीलिए यहाँ पे कल्चरली काफ़ी सिमिलर हैं लोग. इनफैक्ट उत्तराखंड के गढ़वाली इलाके में भी श्री बद्री विशाल जी को ही पूजा जाता है, श्री बद्रीनाथ जी को. एंड यहाँ पे भी श्री बद्रीनाथ जी को ही पूजा जाता है. एंड कामरू गांव में फोर्ट की तरफ, कामरू फोर्ट की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में बद्री नारायण जी का मंदिर भी मिलेगा, जहाँ पे आपको एक मॉनेस्ट्री भी दिखेगी. क्योंकि ये एरिया ऐसी जगह पे पड़ता है जहाँ पे आपके कल्चर मिक्स होते हैं. आपका तिब्बत बॉर्डर पे हो आप, तो कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग बौद्ध हैं, इसलिए जहाँ जहाँ आपको मंदिर मिल रहा है लोकल कुल देवताओं का, वहाँ पे आपको एक बौद्ध मंदिर भी मिल रहा है. एंड ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे. तो कामरू गांव जो है, कामरू गांव तो हज़ारों साल पुराना है, लेकिन कामरू फोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 1100 साल पुराना है. एंड ये अभी प्रूव नहीं हुआ, ये इससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है. हिस्टोरियंस लगे हुए हैं, रिसर्च चल रही है इस पर, बट भोजपत्र के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 1100 साल पुराना है. यहाँ से बुशहर डायनेस्टी के 123 राजाओं ने राज किया है. ये राजधानी हुआ करती थी बुशहर डायनेस्टी की एक टाइम पे. लेटर ऑन राजधानी को सहरान शिफ्ट किया गया एंड उसके बाद रामपुर बुशहर शिफ्ट किया गया. ये फोर्ट 7 मंजिला है, नीचे के 2 पत्थर से बने हैं और ऊपर के 5 जो मंजिल हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं. एंड यहाँ पे जाना किसी को अलाउड नहीं है सिवाय यहाँ के पुजारी को और राजघराने के लोगों को. इनफैक्ट आज भी हिमाचल के राजा का जो राज तिलक किया जाता है वो कामरू फोर्ट से ही होता है. फोर्ट के जस्ट बाजू में आपको दिखेंगी माँ कामाख्या देवी का मंदिर. माँ कामाख्या देवी की जो मूर्ति है उनको अप्रॉक्सीमेटली 800-850 साल पहले आसाम से लाया गया था. एंड उससे पहले इस गांव, कामरू गांव का नाम मौनी गांव हुआ करता था. एंड जब माँ कामाख्या देवी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की गई तो उनके नाम पे ही इस गांव का नाम कामरू गांव पड़ा. तो अब कुमारू फोर्ट के बाद मैं जा रहा हूँ बैरिंग नाथ जी के मंदिर. ये भी सिटी से, सांगला टाउन से अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 किलोमीटर नीचे है, टाउन साइड वैली पे. बैरिंग नाथ जी का मंदिर, ये महादेव का मंदिर है. लोकल लोग शिव जी को, यहाँ पे महादेव जी को बैरिंग नाग जी के रूप में पूजते हैं. यहाँ के लोकल लोगों के कुल देवता हैं, स्थान देवता हैं. एंड मंदिर के अंदर बाहर के लोगों का जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको मंदिर परिसर से ही पूरे मंदिर की तस्वीरें दिखा सकता हूँ आप. लेकिन एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ पे मेन मंदिर के साथ में ही एक बौद्ध मंदिर मॉनेस्ट्री भी है. तो चिटकुल में आपके पास मॉनेस्ट्री है एंड एक मंदिर है,
बट जो मेन चिटकुल में अट्रैक्शन है वो है यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हाइक्स है एंड कुछ छोटे एंड बड़े ट्रैक्स भी हैं। चिटकुल में मैं जहाँ रुका हुआ हूँ वो है वॉन्डरर्स नेस्ट, लैपस्टेज नाम से भी वो फेमस है एंड यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। वॉन्डरर्स नेस्ट का जो चार्ज है अप्रॉक्स 500 रुपीज पर बेड का है, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वो है मिस्टिक वैली। तो मिस्टिक वैली ट्रैक जो है या मिस्टिक वैली हाइक कह लो आप, ये आप पस्पा रिवर पे उसके साथ साथ ही चलते रहोगे अपस्ट्रीम। एंड मेरे साथ है नीता एंड शी इज़ फ्रॉम पुणे एंड पूरे चिटकुल में मुझे लग रहा है हम दो ही लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। मार्केट में भी इनफैक्ट हमें और कोई दिखा नहीं है एंड ये मेरे पीछे है पस्पा रिवर, हम रिवर के अलॉन्ग साइड ही जा रहे हैं अपस्ट्रीम। तो अभी हमें यहाँ पे भोजपत्र के पेड़ मिले हैं जिन्हें पपायरस भी कहते हैं। एंशियंट टाइम्स में लोग इसी में लिखा करते थे, इसकी छाल एकदम पेपर जैसी होती है। भाई इन बोल्डर्स पे चलना तो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, पता नहीं लग रहा है कि पत्थर कहाँ है स्नो के नीचे, बड़े बड़े पत्थर हैं, आप कहीं भी पैर रखो वो गैप में हो जा रहा है या फिसल जा रहा है पैर। सो एक दो बार फिसलने और गिरने के बाद हमें फाइनली ट्रेल मिल गई है जहाँ से शायद हम भटक गए थे। सो फाइनली मिस्टिक वैली पे पहुंच तो गए हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो ये चिटकुल की साइड वाले पहाड़ हैं बसपा की उस तरफ, हम दूसरी साइड बसपा नदी के स्नो हाइक कर रहे थे एंड इस साइड में ये है पूरी वैली। ये जो स्ट्रीम दिख रही है आपको ये स्ट्रीम इस वैली से मिस्टिक वैली से होके नीचे बसपा में मिल रही है। तो मिस्टिक वैली तो पहुँच गए हैं, अब इसके ऊपर यह है कि कितना आपको ट्रैक करना है, कितनी आपकी मर्जी है। तो हमारा एम मेन टारगेट था मिस्टिक वैली तक पहुंचना। एंड ये मेरे पीछे जो दिख रही है थोड़ा स्नो है, बाकी आइस है, आधी नदी जमी हुई है और आधी में पानी है। ये मिस्टिक वैली के बाद हम लोग विलेज टूर पे निकले हैं, गांव घूम रहे हैं। यहाँ पे गांव के एकदम आखिरी में एक्सट्रीम एंड में इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस है, तो अभी उसकी तरफ जा रहे हैं। नेशनल फ्लैग ट्रैक आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि लेट हो गया है, यहाँ 3 बजे के बाद सनलाइट चली जाती है, होपफुली कल सुबह करेंगे। एंड ये है इंडिया का आखिरी पोस्ट ऑफिस, एक ऐसे घर से ही चला रहे हैं पोस्ट ऑफिस, एक लेटर बॉक्स है साइड में। एंड पूरा का पूरा गांव खाली हो गया है, टेम्परेचर माइनस में चला गया है, शाम के 5:30 बजे सब पैक्ड है। तो गुड मॉर्निंग यूट्यूब, आज के कल तो मैं कर नहीं पाया नेशनल फ्लैग ट्रैक क्योंकि मिस्टिक वैली से आते आते ही बहुत लेट हो गई, शूज़ गीले हो गए, पैरों में स्नो चली गई थी शूज़ के अंदर। आज सुबह मैं ट्राई कर रहा हूँ बट देन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि थोड़े से रास्ते तक ही ट्रेल है एंड उसके बाद फिर सीधा स्टीप चढ़ाई है खड़ी चट्टान में। तो मैं अभी बस अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं पूरा कर पाऊँगा कि नहीं क्योंकि स्टीप चढ़ाई है, कोई ट्रेल नहीं है। एंड अगर कोई साथ में होता तो वो ऐसा है कि थोड़ी डिस्टेंस से वो आपको गाइड कर सकता है कि इधर से चलते हैं उधर से जाओ और फिर आप ऊपर जाके उसको गाइड करो कि इधर से आओ, बट सोलो में थोड़ा सा टफ हो जाता है बिना ट्रेल के ऐसे चढ़ना सीधे पहाड़ पर। अगर फिर भी आप लोगों का मन हो यहाँ आने के नेशनल फ्लैग ट्रैक करने का, आई सजेस्ट कि जो जहाँ आप होमस्टे में रह रहे हो या किसी लोकल बंदे को साथ में ले जाओ और प्लस ग्रुप में जाओ, लोकल बंदा आपके साथ कोई होगा जो ऑलरेडी कर चुका है ये ट्रैक तो वो तो बेस्ट है, फिर उसको रास्ता पता है। क्योंकि जब ट्रेल्स नहीं है तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको कहाँ से नीचे उतरना है एंड ट्रस्ट मी जूते बहुत ग्रिप लूज करते हैं, एकदम लूज मिट्टी है यहाँ की। तो बौद्ध मंदिर जो है मॉनेस्ट्री ये आपके रास्ते में ही पड़ती है जब आप नेशनल फ्लैग ट्रैक के लिए हाइक के लिए जाओगे। इनफैक्ट अगर आप रोड से जा रहे हो तो आपको मंदिर भी रास्ते में ही मिल जाएगा। मैं वापस आप आते हुए ट्रैक के बाद अब मैं मंदिर जा रहा हूँ, माठी माता मंदिर। ये लक्ष्मी जी का मंदिर है, माठी माता बद्रीनाथ जी की ही पत्नी है, बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं लगभग उसी टाइम, यहाँ के कपाट भी बंद होते हैं एंड खुलते भी लगभग उसी टाइम ही है एंड 3-4 साल में एक बार यहाँ से सब लोग पूरा डोली पालकी में माता को यहाँ से गंगोत्री लेके जाते हैं एंड फिर बद्रीनाथ जी लेके जाते हैं, पूरा पीछे से ग्लेशियर
पार करके, एंड ये हर 3-4 साल में एक बार होता है जैसे मुझे लोगों ने बताया, एंड अप्रैल मई के आसपास वो टाइम निकाला जाता है। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मैन ऑन रोड, एंड इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले सैटरडे स्पीति में। बाय द टाइम, लव, लाइट, पीस।